नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगल। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, पिछले 24 घंटे में 1,151 कोरोना संक्रमित, 10 की हुई मौत। कॉलेज प्रवेश शुरू होते ही कर्नाटक NEP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। CM बोम्मई ने एक नए डिजिटलकरण कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसके तहत पूरे कर्नाटक के गाँवों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक SSLC पूरक परीक्षा 2021 KSEB ने जारी किया टाइम टेबल। परीक्षा में 3 पेपर होंगे, मुख्य विषयों के लिए पेपर 1, भाषाओं के लिए पेपर 2 और जूनियर तकनीकी विषयों के लिए पेपर 3। OOR पर IIT कंपनियों को कर्नाटक सरकार, घर से काम बढ़ाएं दिसंबर 2022 तक, मेट्रो के लिए ट्रैफिक में कटौती। कर्नाटक के हुबली में उनकल झील का नाम बदलकर चन्नबसवा सागर कर दिया जाएगा। हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों के बीच 750 एकड़ में फैली उनकल झील सबसे अच्छे पिकनिक स्थलों में से एक है, जो हर दिन सैकड़ों लोगों को आकर्षित करती है। कर्नाटक, ओणम सप्ताह के दौरान राज्य के मामलों में 16% की गिरावट आई है। UP दौरे पर पहुंचे NCC के DG को 14 बालिका कैडेटों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। UP, राष्ट्रपति कोविंद के दौरे से पहले CM योगी आज जाएंगे गोरखपुर, तैयारियों का लेंगे जायजा। UP जातिवाद जनगणना पर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, हार के डर से विपक्ष उठा रहे ऐसे मुद्दे। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, संजय सिंह ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुंभ में 2700 करोड़ का महाघोटाला हुआ, जो कि बिहार के चारा घोटाला से भी बड़ा है। मुश्किल में मुनव्वर राणा, तालिबान से की थी महर्षि वाल्मीकि की तुलना, गुना में FIR दर्ज। ग्वालियर, वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा ऐलान, कहा वैक्सीन लगवाओ, TV फ्रिज पाओ। मध्य प्रदेश, चिड़ीवाली की पिटाई पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कलेक्टर को भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा हर बात पर राजनीति बंद होनी चाहिए। सितंबर से दिल्ली से मेरठ आने जाने वालों का सफर 120 रुपए तक होगा महंगा। 5 दिन में 38 विधानसभा क्षेत्र और 630 किलोमीटर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा खत्म। शिमला में कुत्तों के साथ मंदिर में घुसी महिला वकील, रोका तो पुजारी को जड़ा थप्पड़। जोधपुर, 12 साल की छात्रा के साथ सहपाठी ने किया रेप, पीड़िता ने बच्चे को दिया जन्म। राजस्थान, पंचायती राज चुनाव को लेकर BJP कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, चरम पर प्रचार अभियान। ठाकरे को थप्पड़ मारता, बयान पर भड़की शिवसेना, नारायण राणे के घर पर किया पथराव, लगाए मुर्गी चोर के पोस्टर। भारत में अफगानियों को डर, CAA लागू हुआ तो रहना मुश्किल होगा, मांग रहे रिफ्यूजी कार्ड। तालिबान का फरमान, नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं की काट लेंगे उंगलियां, जींस पहनने पर लड़कों की पिटाई। अशरफ गनी के भाई हशमत बोले तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है पैसे। पंजशीर के करीब पहुंचा तालिबान, पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह बोले सिर्फ खुदा ही मेरी रूह को यहाँ से निकालेगा। वॉशिंगटन, वैक्सीन लगवा चुके लोग भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं कोरोना के शिकार, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।